ऊंचाई तक सूरज को देखने आता हूँ, जो पर्वतों के ऊपर चिल्लाता है। तेरी सब कृपा है भगवान, रोज एक नया दिन लाता एक नई शुरुआत, और कितनी नई शाम का आभास। रस्टी का परिवार बहुत सारे विचित्र, प्यारे और अद्भुत लोगों से भरा था। मैं उन सब के बारे में कितनी ही कहानियां लिख चुका हूं। रस्टी के एक अंकल जॉन थे जो ब्रिगेडियर थे। बचपन में रस्टी परेशान हो चुका था लोगों के ये कहने पर कि देखो तुम्हें अपने अंकल जॉन जैसा बनना चाहिए। वो झुंझला कर जवाब दे देता, मुझे ब्रिगेडियर विगेडियर नहीं बनना है। रस्टी के दादा तो सबसे निराले थे। कराची में उन्होंने एक प्राइवेट जू बनाया हुआ था। उनकी एक प्यारी सी मोटर कार भी थी, ऑस्टिन, जो अब देहरादून के घर के गैरेज में धूल में भरी पड़ी थी। ये भूली सी कार को फिर एक बार देहरादून में दौड़ने का मौका मिलने जा रहा था। पता नहीं दादा खुश होते या नहीं। जी, ये कौन आ रहे हैं? हुकुम, मिस्टर केनेथ बॉन्ड, रानी साहिबा से मिलने के लिए आए हैं, कुंवर जी की ट्यूशन के लिए। आप खेलते हैं टेनिस? थोड़ा बहुत खेला हूँ योर हाइनेस। फिर तो आपकी नौकरी पक्की। हम तो कब से टेनिस पार्टनर ढूंढ रहे थे। This way, Mr. Bond, this way. Sure, sir, sure. तुम लड़की हो? Of course. What do you mean? नहीं, फिर तुम लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहने हो? Advantage, Mr. Bond. Fault. Game to Mr. Bond. तो ऑक्सफोर्ड के दिन वापस आ रहे हैं मिस्टर बॉन्ड? कॉल मी केन योर हाइनेस। मिस्टर बॉन्ड, शायद आपको पता नहीं है कि जिंदगी में हारना भी कितना जरूरी होता है। अगर सभी जीतने लगे तो हारेगा कौन? अगर संसार में कोई हारने वाला ना हो तो जानते हो क्या होगा? प्रलय, एकदम कोलाहल मच जाएगा। आज से हमें आपकी जरूरत नहीं है मिस्टर बॉन्ड। दीवान जी से हमने कह दिया कि आपका अकाउंट्स क्लियर कर दें। बट योर हाइनेस, नोटिस के बदले आपको एक महीने की तनख्वाह दे दी जाएगी। बुढ़ाओ को मैंने टेनिस में क्या हरा दिया कि उससे सहा ही नहीं गया? भला कब तक मैं जानबूझ के हारता रहता? इतनी प्रैक्टिस के बाद जीतना शुरू किया तो उसने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। तो तुम सचमुच राजा गुलशन को टेनिस में हरा सकते हो? क्यों नहीं, संभाल लेगा अपने आप को। एक बार वो कोई अच्छा सा काम करने लगे तो मैं बेफिक्र हो जाऊं। मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी या काम है जिसे अंकल केन की जरूरत हो। एग्नेस, एग्नेस मेरी लाइफ बन गई। देखो, नौकरी तो मुझसे होगी नहीं, लेकिन मैंने एक ऐसा प्लान बनाया कि बस ना ही मुझे कभी पैसे की कमी होगी और ना ही मैं कभी खाली बैठूंगा। एग्नेस, पूरे देहरादून में सिर्फ एक टैक्सी चलती है, अगर कोई एक और टैक्सी चलाए तो खूब चलेगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? पहली बात कि तुम्हारे पास टैक्सी नहीं है, और दूसरी बात तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती। सीख लूंगा, मैंने हरी से बात कर ली है, वो मुझे ड्राइविंग सिखा देगा। और जहाँ तक टैक्सी की बात है, वो डैडी की पुरानी गाड़ी है ना, सालों से गैराज में पड़ी है, उस पे कितनी धूल जम रही है। अब वो कार क्या चलेगी? क्यों नहीं चलेगी, बस थोड़ी सी सफाई पुताई, थोड़ी सी ऑयलिंग ग्रीसिंग और टैक्सी तैयार। आप पहले ड्राइविंग तो सीखिए। लेकिन एग्नेस, हरी को ड्राइविंग सीखने की फीस भी तो देनी होगी ना। मैं नहीं दूंगी। कितने रुपए लगेंगे? थैंक यू एग्नेस।
आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं। ये देखो। अरे ये तो दादी की किताबें हैं। हाँ तुम्हें पता है रस्ती कि मम्मी ने इसमें सब तरह के कुकिंग सीक्रेट्स लिख छोड़े हैं। कितना बड़ा खजाना है हमारे पास। तो क्या अब तुम भी दादी जैसा खाना बनाने लगोगी? हाँ क्यों नहीं। सबसे ज्यादा फायदा तो हमें अचार बनाने में होगा। खट्टे मीठे तीखे सब तरह के अचार बनाऊंगी। तो क्या अब तुम केक गुलाब जामुन कटलेट और प्लम केक नहीं बनाओगी, सिर्फ अचार डालोगी? जरूर बनाऊंगी डियर, सब कुछ है इन किताबों में और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ ऑलमोस्ट दादी जितना अच्छा। इसमें तुम्हारी दादी ने अचारों की कीमत भी लिखी है और ये रही लिस्ट खरीदने वालों की। हाँ इन सबको मैं जानता हूँ। चलो अचार बनाए खूब सारा। ठीक से काटना, छिलका नहीं रहना चाहिए। मणि ठीक से कर रहे हो ना? या गाड़ी तो ठीक है मिस्टर बॉन, आपने गाड़ी सीखने का फैसला कर ही लिया है तो आप ही की गाड़ी से आपको सिखाते हैं। हाँ लेकिन व्हील के पीछे जाने से पहले बोनेट के अंदर क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। वो सब तो मैं सीख लूंगा हरी, बस एक बार मेरी टैक्सी सर्विस शुरू हो जाए फिर मैं। चलो हम आज से सीखना शुरू करते हैं। Really? हाँ ओके लेट्स गो। बीवी जी कौवे आ रहे। मैं जानता हूँ कौवे कैसे भगाए जाते हैं, मैं अभी आता हूँ। बस भाग गया कामचोर कहीं का। अंडरग्रेस देखो देखो मैं कौओं को भगाने के लिए क्या लाया। देखो मनी क्या चीज बनाई है। अब घर में क्या पूरे मोहल्ले में कौवे नहीं आएंगे। ये तो अंकल कैन से भी डरावना है। तुम्हारे दादा ने ही तो यहाँ का सारा रेलवे बनवाया था। पहले हम सब लोग कराची में रहा करते थे, वहाँ हमारे घर में ढेर सारे पालतू जानवर हुआ करते थे। हम सब बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। यहाँ तो दादी के साथ सिर्फ क्रेजी रह गई थी। दादी को इस घर का और दादा की पेंशन का सहारा था, बाकी बाप की ऊपर वाला देता है। आंटी मुझे दादा के जू के बारे में बताओ ना। दादी ने मुझे बताया था कि उन्होंने एक पैंथर का बच्चा भी पाला था एक बार। हाँ उसका नाम डैंडी था। अरे इतना प्यारा था वो। ये फर्स्ट गियर। ओ माय गॉड मिस्टर बॉन्ड, तीन दिन हो गए मुझे बताते हुए कि फर्स्ट गियर ऊपर होता है। मैं भूल गया था हरी, ये फर्स्ट गियर। माय गॉड अब आपने क्लच नहीं दबाया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच यू। नहीं नहीं हरी अब मैं सीखूंगा, अब मैं सीखूंगा। ये क्लच दबाया और ये फर्स्ट गियर। या नाउ न्यूट्रल इट। ओके स्टार्ट द इंजन।
मुझे डर लगता है हरी। कम ऑन, मैं हूं ना साथ तुम्हारे, चलो। कम ऑन, क्या आंट एग्नेस, अचार कुछ ज्यादा नहीं बन गया? अंकल केन भी अचार कम ही खाते हैं। पता नहीं दादी की लिस्ट वाले लोग कब आके खरीदेंगे ये सब। अरे सब हो जाएगा। एग्नेस तुम्हें तो पता ही है मम्मी क्या करती थी, पोस्ट ऑफिस और सिनेमा हॉल में जाके नोटिस लगा देती थी, और फिर जिन लोगों को अचार चाहिए होता था वो अपने आप घर आके ले जाते थे। मेरे ख्याल से तुम लोग भी ऐसा ही करो। मुझे इससे भी अच्छा एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं और मनी दादी की लिस्ट वाले लोगों के घर जाके अचार दे आए। नॉट अ बैड आइडिया, स्टार्ट द इंजन। कम ऑन, क्या जस्ट गियर फर्स्ट फर्स्ट गियर। कम ऑन मिस्टर बॉन्ड। ओह माय गॉड, एग्नेस, एग्नेस, या क्या हुआ? ये देखो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अब तो मैं गाड़ी ले जा सकता हूँ ना, प्लीज एक राइड, सिर्फ एक चक्कर। आर यू श्योर? यस। भगवान मुझे माफ करना, केनेथ बॉन्ड को ड्राइविंग सर्टिफिकेट देने के लिए अगर उसे 4 दिन और गाड़ी चलानी सिखाता तो मैं खुद ड्राइविंग भूल जाता। उसका ये भूत भी जल्दी उतर जाएगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। ए बॉय, कहीं जाना है तो मैं जॉय राइड दे सकता हूँ। नहीं नहीं, किसी और दिन। योवेश, किसको अपने सीट पर छुड़वाने हैं? अरे तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? ला 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 ला, ओ माय डार्लिंग, ओ माय डार्लिंग, वाह क्या मजा आ रहा है। ओ लेज़ली, अरे संभल के, सारी धूल हम पे उड़ाओगे? क्या बात है नत्थू, आज फिर अपने सेठ से नाराज हो क्या? क्यों ना हूँ नाराज, आज तक मेरी पगार नहीं दी है। एक बैंक वाला सेठ एक गरीब सफाई वाले को उसकी पगार तक भी नहीं दे सकता है। साले ये क्या चलाएगा बैंक वैंक? कल मुझे भूखे ही सो जाना पड़ा, तभी तो कुंजल जल रहा है। अच्छा, मैं तो सोचता था बैंक में बहुत पैसे होते हैं। काश कोई मेहरबान मुझे दूसरी नौकरी दिलवा देता, लेकिन किसी को मुझ पर तरस क्यों आएगा? कौन करेगा मेरी मदद? हम करेंगे, हम जितने भी लोगों से मिलेंगे उनसे तुम्हारी मदद करने को कहेंगे। देख लेना, तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। तब मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने पैसे लेकर। ओह हेलो यंग रश्मि, इन टोकरियों में क्या लाए हो? अचार है सर। अचार? क्या तुमने बनाए हैं? नो सर, आंट एग्नेस और मैंने दादी की तरह के ही अचार बनाए, दादी की किताब में देखकर। इन्हें बेच रहा हूँ कि हम क्रिसमस डिनर के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें खरीद सके। हम सबसे पहले आपके यहाँ ही आए। ओह गुड गुड, आओ अंदर आओ, आओ शाबाश। मिसेस बॉन्ड के अचारों की बात ही कुछ और थी। हाँ, अगर तुम्हारी आंट एग्नेस का हाथ उनकी माँ की तरह है तो तुम्हारी ये टोकरियां बहुत जल्दी खाली हो जाएंगी। अच्छा वो तुम लोग मेरे पास आ गए, पहले एक पते की बात बताऊं। खाने में स्वाद लाने का हुनर सीखना कोई आसान बात नहीं है, ये हर एक को नहीं आता, और वैसे आजकल किसी के पास है भी नहीं ये हुनर। मेरी बीवी यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं तुमसे इतनी खुलकर बातें कर रहा हूँ। कौन सा अचार लेंगे साहब? देखे
वाह वाह लाल मिर्च, तीन बोतलें? ऐसा करो ये तीनों बोतलें मुझे दे दो। और ये लो। अरे मैं तो भूल ही गया, एक छोटा सा काम सर, वो नथू है ना, उसे आप कोई नौकरी दिलवा सकते हैं, उसे नौकरी की बहुत जरूरत है। नथू? वो जो बैंक में स्वीपर है, बैंक से उसे निकाल दिया क्या? नहीं निकाला नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि बैंक वालों ने उसे आज तक उसकी सैलरी नहीं दी, लगता है उसे कहीं और ही नौकरी करनी पड़ेगी। बहुत दुखी था। दुखी भी था और भूखा भी, तभी तो गुस्से में काम कर रहा था। ऐसी तो बैंक ने नथू को पैसे नहीं दिए। दस्ती मैं जरूर नथू की मदद करूंगा, जरूर करूंगा। थैंक यू सर। कौन सोच सकता है सेठ गोविंदास दिवालिया हो गया है, मुझे कर्नल को खबर करनी चाहिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेजर। सर आपने सुना सेठ गोविंदास का बैंक बंद होने वाला है, उनके सारे पैसे खत्म हो गए, उन्होंने अपने वर्कर्स को सैलरी भी नहीं दी है। ओह गुड गॉड, मेरी वाइफ ने तो सारी सेविंग बैंक में जमा की हुई, किसी तरह से पैसे बचाने हैं। मिसेस कैडबरी को भी आज ब्यूटी पार्लर जाना था। एनीवे थैंक यू मेजर। राइट सर। मेरी टोकरी तो सारी खाली हो गई, लाओ तुम्हारी में से मैं कुछ ले लेता हूँ। अब मिस केलर के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग मिस केलनर। गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रन, हाउ आर यू? अरे अचार लाए हो? हाँ। बेचने के लिए? जी। यू नो रस्टी, ये ज्यादा मिर्च मसाले तो मैं खाती नहीं हूँ, मगर ये जो अदरक का अचार है ना, इसकी एक बोतल मैं तुमसे जरूर लूंगी। हाँ? मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लो तुम्हारे पैसे और ये तुम्हारी एक स्पेशल गिफ्ट, नई प्रेयर बुक है। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मिस। क्या आप नथू की मदद करेंगी प्लीज? वो बहुत गरीब है, उसे दूसरी नौकरी की तलाश है, बैंक वाले तो उसे पैसे भी नहीं देते। व्हाट? बैंक वाले उसे पैसे भी नहीं दे पा रहे? माय गुडनेस पुअर बॉय, बट यू डोंट वरी, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी और ये बात अपने दोस्तों को भी बताऊंगी, खासकर उन अमीर दोस्तों को जिन्होंने बहुत सा पैसा सेठ गोविंददास के बैंक में लगा रखा है। तीन प्रेयर बुक दे चुकी। सुनो रस्टी, यू नो सुबह केनेथ कितना तेज गाड़ी चला रहा था। अरे एग्नेस को इसका कुछ खबर है या नहीं? अभी तक उसका कोई पता नहीं। मे गॉड सेव हिम, कहीं कोई टक्कर वक्कर ना लगा लिया हो। मिस अंकल केन यहाँ पर टैक्सी सर्विस शुरू करने वाले हैं। ओह रियली? माय गुडनेस, तब तो मुझे कलेक्टर साहब से जरूर बात करना होगा, सड़क पर आजकल चलना खतरनाक होता जा रहा है। रस्टी आपका नाम तो दादी की लिस्ट पे था ना, आप लेंगे हमारे अचार? मिसेस बॉन्ड का डाले हुए अचार हैं क्या? नहीं आंट एग्नेस ने बनाए हैं, लेकिन बिल्कुल दादी की तरह के हैं, ये तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। हरी अरे भाई जल्दी करो, बैंक लूट रहा है। अरे तुम्हारा खून पसीने की कमाई लूट जाएगी। अरे बैंक तो क्या, सेठ ने हम सबको लूट लिया, सेठ गोविंददास हमारे पैसों से ऐश कर रहा है। जल्दी हाथ पैर रखे, कुछ नहीं होगा, जल्दी आओ जल्दी। हाँ, चलो जल्दी। अरे भाई लोग आता हूँ ना, कान फाड़ दिया। ये लो रस्टी, ये अचार मेरे फेवरेट हैं, तुम देख रहे हो ना लोग बाहर पागल हो रहे हैं, मैं जरा जल्दी में हूँ, तुम अपना बिजनेस संभालो और मैं अपना बिजनेस संभालता हूँ। थैंक यू। ये मनी भी पता नहीं कहाँ रह गया। ओह गॉड क्या करूँ, क्या मुसीबत है, ये क्या हो रहा है, पता नहीं लोग मरने से पहले अपनी गाड़ी क्यों नहीं ठीक करवा के रखते। ओह इसका स्टीयरिंग तो अपने आप ही मुड़ता जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। ओह गॉड मैं क्या करूँ। ओह गॉड
ओ गॉड, ओ गॉड, ओ नो। रेखा तुम्हारी भांग की पकौड़ी आ रही है। होली बात हो गई। होली अगले साल होगी। होली अगले साल। हर साल होती है ना? रानी साहिबा बचिए। Thank God, everything is all right. So sorry. Hello Ken, कैसे आना हुआ? अच्छा हुआ हमसे मिलने आ गए. Jolly good of you to drop in. तो हो जाए एक सेट टेनिस का.